अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सब की दुआओं से मैं भी ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले मैं आप सबको करती हूँ ईद मुबारक। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। 2-3 डेज से मैं व्लॉग नहीं बना रही थी, मेरी एक्चुअली तबीयत ठीक नहीं थी। और ये है कि पहले दिन का भी व्लॉग मैंने अपलोड नहीं किया और शूट भी नहीं किया था। पहले दिन हमारे घर में कुर्बानी नहीं हुई थी। आज हमारे घर में बकरे 2 ज़िबा हुए हैं और अभी हो रही है गायें अभी ज़िबा हो रही है। बकरे तो सुबह हुए थे और गायें अभी हो रही है। अभी मैं रेडी हुई हूँ, घर की सारी सफाई वफाई की, मेट नहीं आई है और मैंने ही तकरीबन सारा काम किया और मैं थक मर गई थी बिल्कुल ही। तो आज का व्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं दिखाऊंगी हमारी गायें किस तरीके से किसाई ने सिबा की है। और थोड़ा सा क्लिप जवाब को मैंने कहा था शूट आउट करके लेकर आए, क्योंकि नीचे तो आपको पता है दुनिया का मतलब बंदा खड़ा हुआ अच्छा नहीं लगता, मुनासिब नहीं है कि नीचे उतरना। जवाब को जवाब से जितना हुआ जवाब ने उतना अपलोड कर लिया, वो मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ आगे व्लॉग के अंदर। तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना, आज का व्लॉग बड़ा मज़ेदार होने वाला है। और आज मैंने जाना है बाजी के घर पर, बाजी के घर पर भी जाऊँगी। बाजी ने की हुई है हमारी दावत, दावत की हुई है तो मैं रेडी हो गई थी, थोड़ा ठंडा हो गया। अब चाय पीऊंगी और फिर बाजी के घर इंशाल्लाह ताला जाऊंगी, इंशाल्लाह ताला जाऊंगी। बाजी ने न्यू घर सेट किया है, मतलब घर तो वही है, उस घर को रेनोवेशन करवाया और घर को पूरा सेट किया, बड़ा किया है। 2 मतलब 2 पोर्शन थे ना बाजी के, अब बाजी ने पूरा तोड़कर 1 पोर्शन कर लिया और माशाल्लाह माशाल्लाह बाजी ने पूरा घर सेट कर लिया। बाजी के घर का विजिट भी करवाऊंगी और इंशाल्लाह ताला इस व्लॉग के अंदर बाजी के मज़ेदार खाने भी आप लोगों को दिखाऊंगी कि हमारी दावत में बाजी ने क्या क्या बनाया। तो आप लोगों ने इसमें के अभी माशाल्लाह से कुर्बानी हमारी हो गई है और अब मैं जा रही थी बाजी के घर। बाजी के घर पहुंचते ही मैं आप लोगों के साथ बाजी की मुलाकात भी करवाती हूँ और बाजी के घर का विजिट भी करवाती हूँ। बाजी ने की है दावत, वहाँ पे बड़ा इंजॉयमेंट होगा। मेरे 2 भाई हैं और वो भी आने वाले हैं और मैं हूँ और बाजी हैं, मम्मा है नहीं। तो ये है कि मम्मा की पहली ईद ही पड़ी थी बकरा ईद, तो बाजी ने कहा कि ज़ाहिर है अब अम्मी हर साल मतलब हम सबको एक जगह इकट्ठा करती थी, अब अम्मी नहीं है तो मतलब हम लोग एक जगह पे इकट्ठे होंगे। तो बाजी के घर पहुंचकर फिर मैं आप लोगों को वहाँ विज़िट करवाती हूँ। अच्छा, ये हमारे साथ अहमद हैं, अहमद रेडी है। अहमद ग्लासेस का है, ग्लासेस लगा कर दिखाओ। अच्छा, ये ज़ैनब रेडी है, हेलो करो। और ज़ैनब कहाँ जा रही हो? आनी के घर जा रही हूँ, आनी दावत की है। अच्छा, ये ज़ैनब ने पहनी है पैंट शर्ट, ज़ैनब सैंडल भी दिखाओ अपनी। ये ज़ैनब की सैंडल है, ये अहमद की है और ये दोनों हो गई हैं रेडी। अभी मैं जवाद और किससे, ये उमुल बनीन जो है ये अपनी कारस्तानी में लगी हुई है। अच्छा, ये यहाँ पर जवाद रेडी हो रहे, मुँह धोकर आए। जवाद हेलो करो, ईद मुबारक करो। ईद मुबारक, खैर मुबारक। ये अहमद ने लगा लिया है ग्लासेस और अब हम लोग निकलने लगे। अच्छा, मैं बाजी के घर आ गई हूँ और बाजी के घर माशाल्लाह काफ़ी बड़ी दावत है। अब मैं बाजी के घर का विजिट भी करवाऊँगी कि बाजी का घर कैसा रेनोवेशन हुआ है। अच्छा, ये देखें, ये सब मेहमान चले गए हैं तो अभी मैं आपको ड्राइंग रूम में लेकर जाती हूँ बाजी के। बाजी के मैं ड्राइंग रूम में इंटर हो गई हूँ और आप देख रहे हो कि माशाल्लाह कितनी प्यारी डेकोरेशन की हुई है। ये बाकायदा बाजी ने अपना रूम सेट किया। अच्छा, इस रूम ड्राइंग रूम के अंदर ही ना एक और रूम है, ये मेरी बाजी बहनोई है। अच्छा, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बाजी का घर दिखाया और अब मैं जो है घर जाने लगी हूँ। शॉर्ट सा व्लॉग बनाया था, खाना माशाल्लाह बहुत कुछ बनाया हुआ था बाजी ने, कबाब थे, खीर थी, बिरयानी थी और बहुत कुछ था। रश इतना हो रहा था, छोटी वाली मेरी बेटी ना उमुल बनीन बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, जिस वजह से मैं मतलब व्लॉग नहीं बना पा रही थी। अब मैं थोड़ा सा फ्री हुई हूँ, उनके पापा आए मुझे लेने के लिए तो मैं अब घर जाने लगी हूँ। आज का व्लॉग थोड़ा सा शॉर्ट है, ईद व्लॉग है और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।